एक्सट्रैक्शन चैप्टर आता है पूरा, तुम सुनाया ना मेरे को एक बार शायद। यस सर। तो चलो कल वैसे क्लास होगी एक्सट्रैक्शन की ना ऑफलाइन में, सर कितने बजे होगी? कल वही 3:30 3:45 के आसपास। ओके सर। देख लो क्योंकि वही स्टार्टिंग से कराऊंगा, थोड़ा सा स्लो भी होगा क्यों, क्योंकि 12th वाले बच्चे अटेंड करेंगे जो 12th में आने 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 हैं ना। सर मतलब मेनली तो मुझे एक बार बस लिंगम डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। हाँ अच्छा लिंगम डायग्राम का करना है, चलो सही है। लिंगम सर डायग्राम होगा तो मतलब बाकी मैं बाकी बता तो, दूंगा। हाँ हाँ क्योंकि तुमने बाकी तो सुना सर रखा कर है मुझे लग रखा रहा है चैप्टर। हाँ बाकी है। तुमने यस कर रखा है सर। यार से। चलो अच्छा अभी ना बस जल्दी से हाफ एन आवर के अंदर हमें खत्म करना है टॉपिक सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स, जो मैंने तुम्हें कुछ करवा दिया है सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स, ध्यान है कि नहीं है? मैंने किसी एक का कराया था, क्या याद है तुम्हें? सर Ni+O और चल CO वाले का Ni+CO2+M, हाँ Ni+ Ni2+CO2+MN2+ और ZN2+, उसका करवा दिया है सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स, यानी ग्रुप फर्स्ट से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं कुछ का सेपरेशन कराऊंगा कि इस तरीके से सेपरेशन होता है, अगर ये भी तुम्हें समझ आ गया ना, और जिसने पीछे का पढ़ा उसी को समझ आएगा, ये हर एक को समझ नहीं आएगा, जिसने पीछे का पढ़ा था उसको समझ आ जाएगा ढंग से। तो एक बार देख लो ये, देखो ये चीजें ना दोबारा दोबारा नहीं होंगी। अब मैं कल से जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 12th का चैप्टर है जो बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, पहले था एक्सट्रैक्शन चैप्टर मेटलर्जी, और इसका क्वेश्चन आना है, डेफिनेट है कि क्वेश्चन आएगा इसका, और क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्लास में सुन करके याद हो जाए तुम्हें, ऐसे वाला काम करना है, सही ना? अच्छा अब इसमें सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स में ग्रुप फर्स्ट लिया, जैसे मैंने ग्रुप फर्स्ट में सबको पता है क्या क्या था, Ag+ था और क्या था, Hg2+ प्लस वन वाले थे, Ag+ Hg2+ और Pb2+, याद करने का तरीका बताया था, Ag हाँ जी पिला भाई, है ना, Ag हाँ जी पिला भाई, या फिर आज होंगे प्रभु, किसी भी तरह से याद कर सकते हैं इसको। अब इसका जो ग्रुप रेजेंट था, पहले डालेंगे ग्रुप रेजेंट को, इसका ग्रुप रेजेंट क्या था, डाइल्यूट HCl, याद आ गया कि नहीं? यस सर। डाइल्यूट HCl, ध्यान रखना कभी भी कंफर्मेट, अभी हम कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनानी पड़ती है। ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनेगी, तुम पानी में सॉल्ट को मिक्स करो, ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गई, मैक्सिमम केसेस में ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाती है ऐसे, और नहीं पानी में डालने से बन रही सॉल्यूशन, तो थोड़ा सा पानी को गर्म कर दो, गर्म करने से भी नहीं बन रही है तो तुम थोड़ा सा डायलूट HCl डाल दो, थोड़ा सा डालना पड़ता है डायलूट HCl ताकि डिजोल्व हो जाए सॉल्ट, तो अगर उससे भी सॉल्युबल नहीं हो रही है सॉल्ट डायलूट HCl भी, तो फिर हम थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड HCl से भी नहीं बन रही है तो फिर कंसनट्रेटेड HNO3, और कंसनट्रेटेड HNO3 से भी अगर सॉल्यूशन नहीं बन पा रही है इसका मतलब वो यूजलेस है, क्यों, क्योंकि कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 वो क्या क्या होता है, ये क्या है, ये तो वो है ना एक्वारिजिया, नहीं समझी बात, यस सर। HCl प्लस HNO3 क्या था, तो उसमें भी जो चीज डिजोल्व नहीं हो रही फिर तो यूजलेस है ना, सही ना? तो इस तरह से हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, लैब में जाओगे ना पहले पानी में डाल करके जो सॉल्ट है उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, इस तरीके से वाटर से बनाते हैं तो वाटर एक्सट्रैक्ट होता है, और अगर उससे नहीं बनाते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, फिर हम सोडियम से Na2CO3 से बनाते हैं तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है, सही ना? तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ओरिजिनल सॉल्यूशन पहले बनाएंगे उसके बाद टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब जैसे इस ग्रुप का पहला रेजेंट क्या है, डायलूट HCl, सबको याद होगा ये, मैंने इसमें डाल दिया डायलूट HCl, क्लियर, पहले ग्रुप का रेजेंट डाल दिया मैंने डायलूट HCl, इससे क्या बन जाएगा, AgCl Hg2Cl2 PbCl2, सही ना, AgCl Hg2Cl2 PbCl2, ये तीन प्रेसिडेंट मिल गए हैं, ये तीन प्रेसिडेंट मिल गए हैं, हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं बेसिक रेडिकल, तीन प्रेसिडेंट मिल गए हैं। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम क्या डालेंगे, अब कल तुम लोग एक बार ध्यान था जिससे बात होगी उसको बोल देना कि कल एक्सट्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट होगा, जरूर अटेंड करना उसको। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, ध्यान देना, मैंने इसमें डाल दिया हॉट वाटर, यहां से ना तुम जिसने पढ़ा हुआ है वो ट्राई करेगा, हॉट वाटर डालना तो एक चीज अलग हो जाएगी, एक चीज अलग हो जाएगी, दो चीजें तुम्हें अलग मिलेगी इधर, एक हो जाएगा सॉल्यूबल और यहाँ पे दो हैं इनसॉल्युबल, दो क्या है इनसॉल्युबल, दो इनसॉल्युबल है, फिर उसके अंदर मैंने डाला जो दो इनसॉल्युबल है इसके अंदर डाल दिया मैंने NH3 और NH4OH, NH3 और NH4OH, तो फिर दो ऐसा करने से भी एक हो जाएगा सॉल्युबल
और एक होगा इनसॉल्युबल, एक सॉल्युबल और एक क्या होगा इनसॉल्युबल। अब तुम में से कौन बता सकता है ये सॉल्युबल कौन सा है इनसॉल्युबल कौन सा है? सर सॉल्युबल तो पहले में PbCl2 हो जाएगा, बहुत अच्छे, और बाकी दोनों इनसॉल्युबल होंगे। फिर अमोनिया डालने पे सर वो होता है, बस मतलब बता रहा हूँ, बस मेरे को पता है। सर बस एक सेकेंड सर, अमोनिया डालने पे वो AgCl तो सॉल्युबल हो जाएगा, हाँ, दूसरा इनसॉल्युबल Hg2Cl2। बिल्कुल सही। और किसको पता था, जैसे इसको गर्व सिंगल को पता था, और ये किसको पता था, हिमांक क्लास में है, Hg2Cl2 वाला पता था, एक मिनट, गर्व को भी पता है, सिद्धि को पता है, हिमांक सर PbCl2 वाला पता था, गलत हो गया था सर, PbCl2 वाला पता था। अच्छा वो पता था, हॉट वाटर में डालते ही मैंने तुम्हें बता रखा है, और मैंने कहा था इसका क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है IIT के अंदर, नीट के अंदर, सॉल्युबल कौन सा होता है PbCl2 हॉट वाटर के अंदर, PbCl2 सॉल्युबल तो ये अलग हो गया, PbCl2 सॉल्युबल तो ये अलग हो गया, और उसके बाद इनसॉल्युबल जो है वो क्या होगा AgCl और Hg2Cl2। और जैसे ही मैं NH3 या अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा, AgCl और NH3, क्या मैंने इसकी रिएक्शन नहीं कराई बहुत सारी, AgCl + NH3 क्या बन जाएगा सॉल्युबल में, AgNH3 = Cl, Cl बताया था ना, ये AgNH3 = Cl, इसमें कितने आयंस मिलेंगे जब टूटेगा ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, कितने आयंस मिलेंगे सर? दो दो ही मिलेंगे सर। हाँ दो आयंस मिलेंगे, हाँ दो आयंस मिलेंगे। एक वर्ड याद रखते हैं आपको लेना, इसके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 है 100% डिसीजन पे, दो आयंस मिल रहे हैं इसलिए। और इनसॉल्युबल जो होगा NH3 डालने पर, जो इनसॉल्युबल होगा ध्यान देंगे Hg2Cl2, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स कौन नहीं बनाता, MnFe, याद आ गया कि नहीं, MnFe और Hg जो कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरह बिहेव करता है, याद आया कि नहीं? यस सर। तो इसमें जो बनेगा वो याद करेंगे, याद कर लेंगे उसको, इसमें जो बनेगा साथ में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट NH2 HgCl एमाइनो मर्क्यूरी क्लोराइड प्लस Hg प्लस Hg, ये मिलेगा ब्लैक कलर का। ध्यान रखना Hg2Cl2 की कोई भी रिएक्शन होगी कभी भी, हमेशा मर्क्यूरी एक साथ में जरूर मिलता है, इसीलिए सॉल्यूशन होती है ब्लैक कलर या प्रेसिपिटेट होगा ब्लैक कलर। देखो होगा क्या है, Hg2Cl2 ना, Hg मैंने तुम्हें बताया था कभी भी बीच वाली स्टेट होती है, कभी भी बीच वाली स्टेट होती है, ज्यादातर उसके अंदर क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन है, यानी ये Hg+1 वाला है तो ये जाएगा Hg के अंदर, एक तो दूसरा जाएगा Hg2+ के अंदर, Hg2+ के अंदर, और Hg2+ दो ले लो इधर से, सही ना, दो ले लिए। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है यानी अमोनिया तो वो चांस देगा ही देगा, वो चांस देगा, और Hg2+ है, Hg2+ है अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये कुछ इस तरीके से आएगा Hg2Cl2, याद रखना NH2H मान लो उसको, तो यहाँ पे HgOH twice बनेगा। और तुम्हें पता होगा ना तो सिल्वर का हाइड्रोक्साइड स्टेबल है ना मर्क्यूरी का हाइड्रोक्साइड स्टेबल है, इसलिए HgOH twice का मतलब ये HgO दे देगा, और Hg2+ है, Hg2+ ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, क्या बन गया HgNH2, और एक आ जाएगा Cl, एक आ जाएगा Cl, तो क्या बन जाएगा HgO.NH2HgCl एमाइनो मर्क्यूरी क्लोराइड, और साथ में Hg है ही, तो ये पूरी सॉल्यूशन मिलती है एक्चुअल एमाइनो मर्क्यूरी क्लोराइड, और कलर होगा इसका ब्लैक, कुछ ग्रेइश ब्लैक कह सकते, कभी भी बीच वाली स्टेट होगी तो मैंने एस ब्लॉक में भी बताया था, कभी भी बीच वाली स्टेट होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे O2- लिया था सुपर ऑक्साइड आयन, अगर तुम्हें याद हो तो सुपर ऑक्साइड आयन, तो ये O2 में और O2-2- दोनों में जाता था, याद आया कि नहीं है? यस सर। KO2 इज यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट एंड सबमरीन्स, उसमें भी बताया था मैंने, बीच वाली स्टेट होती है तो मैं, हाँ मैक्सिमम केसेस में डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है इसका, तो इसलिए Hg2Cl2 कभी भी आएगा तो साथ में Hg जरूर मिलेगा, इसलिए सॉल्यूशन होगी तो ब्लैक कलर या प्रेसिपिटेट होगा तो भी ब्लैक कलर। एक बार जो चीज तुम्हें नोट करनी है नोट कर लो जो मैंने इसके अंदर बताया। क्लियर नोट?
यस तो अभी ये ध्यान कहेंगे एमाइनो मर्क्यूरी क्लोराइड मिल गया, डॉट एच जी और गाना लगा देना साथ में, एच जी ग्रेइश ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक ये सही ना, ग्रेइश ब्लैक है ये, लिख देना तुम लोग ग्रेइश ब्लैक कलर का है एमाइनो मर्क्यूरी क्लोराइड, ग्रेइश ब्लैक सही ना। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब इसके आगे ना फर्दर टेस्ट दे रखे हैं फर्दर, याद हालांकि मेरा कंफर्म हो गया सब कुछ, मैंने तीनों आयंस को सेपरेट कर लिया कि नहीं, क्या ये तीनों आयंस सेपरेट हो चुके हैं? यस सर। हाँ अब इसके आगे ना फर्दर टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसके आगे भी क्वेश्चन बनते हैं, जब इसका पूरा पैसेज आएगा तो उसमें आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अब इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था ये कि ये भी एक, मैंने तुम्हें बताया ना एक्वारीजियम में क्या क्या सॉल्युबल था, एक तो गोल्ड, एक प्लेटिनम, एक एच जी एस ब्लैक कलर का, और एक ये कंपाउंड था, याद आया कि नहीं, कंसंट्रेटेड एच सी एल प्लस एच एन ओ थ्री डालोगे सही ना, कंसंट्रेटेड एच सी एल प्लस एच एन ओ थ्री तो ये सॉल्युबल होगा और दे देगा एच जी सी एल टू, क्या दे देगा ये एच जी सी एल टू, एच जी सी एल टू दे देगा सही ना, और साथ में एन टू गैस, एच जी सी एल टू साथ में एन टू गैस, ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है बहुत। और एच जी सी एल टू की, एच जी सी एल टू की रिएक्शन होती है तीन एस एन सी एल टू के साथ, जैसे एच जी सी एल टू प्लस एस एन सी एल टू ये देता है एच जी टू सी एल टू व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट प्लस एस एन सी एल फोर, और दोबारा डाल देंगे एस एन सी एल टू, मैंने तुम्हें याद है तुम्हें बताया हुआ है एस एन सी एल टू रिड्यूसिंग एजेंट होता है ग्लासी मटेरियल, क्या बता रखा है मैंने पी लॉक में कि नहीं? यस सर, यस सर, और ये रिएक्शन भी कराई थी, और ये रिएक्शन भी कराई हुई है, इसमें दोबारा मिल जाता है एच जी ब्लैक कलर का साथ में एस एन सी एल, साथ में एस एन सी एल फोर, क्या तुम में से याद है किसी को एस एन सी एल टू की वो तीन रिएक्शन, वैसे तो रिएक्शन बहुत सारी है फिर भी वो तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी थी एस एन सी एल टू के साथ? एच एन ओ थ्री वाली एक तो एच जी सी एल टू के साथ थी, और किसके? नहीं 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 सर, एक तो एच जी टू एस एन सी सी एल एल टू टू के साथ मैंने तीन क्लोराइड रिएक्शन, हाँ तो वो दे दी ना ये रही, वो यही है नीचे, हाँ सर, और एक थी हाँ बोल, आर्टिफिशियल गोल्ड वाली थी, तो सर AuCl3 में डालेंगे तो उससे मतलब AuCl हाँ बहुत अच्छे पर्पल ऑफ कैश आर्टिफिशियल गोल्ड वाली थी, हाँ ये सर उसको याद है वो हेमंत, पर्पल ऑफ कैश, और एक और थी एक है इसमें वो पर्पल आयरन वाली, ऑफ आयरन थ्री कैश प्लस कहते आयरन हैं, टू प्लस, हाँ बिल्कुल इसको याद है हेमंत, हाँ AU आ गया पर्पल ऑफ कैशियस, कोलाइडल सोल मिलती है इसकी, कोलाइडल सोल मिलती है इसकी AU की, पर्पल ऑफ कैशियस कहते हैं इसको, साथ में मिलता है, साथ में क्या मिलेगा एसेंशियल टू ये, साथ नहीं नहीं में सर वो एसेंशियल मिलेगा ना टू एस तो एसेंशियल एसेंशियल फोर सही मिलेगा ना ना, साथ में उसके, एसेंशियल फोर हाँ मिलेगा ना एसेंशियल टू, हाँ और जी एक सर, एक रिएक्शन थी एफबीसीएल थ्री के साथ, एफबीसीएल थ्री के साथ एफबीसीएल टू मिलता था ग्रीन कलर का, याद आ गई तीनों, गर्व तेरे को याद आई है तीनों रिएक्शन की वाली, सर वो एक याद नहीं थी पर ले एयू वाली तो याद थी, अच्छा ये याद आ गया, कराया था ये मैंने पी ब्लॉक में। यस सर ये तो याद, तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ये इस चीज का ध्यान रखना जरूर। अच्छा अब इसके बाद ये मैंने तुम्हें यहाँ पे करा दिया एसेंस, अब यहाँ पे पूरा कंफर्म हो गया, पूरा कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एच जी क्या था, एच जी टू सी एल टू था, ये चीज कंफर्म हो गई यहाँ पे, एच जी टू सी एल टू के लिए पूरा टेस्ट लिख दिया मैंने सही ना। और इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ए जी एन एच थ्री होल ट्वाइस सॉल्युबल मिला है, इसके आगे इसकी रिएक्शन होती है वो भी नोट करेंगे। अगर मैंने इसके अंदर कभी भी ये, मैंने तुम्हें बताया ना स्क्वायर ब्रैकेट वाला कॉम्प्लेक्स कभी भी टूटता नहीं है, हाँ इसके अंदर अगर मैं के आई डाल दूं तो ए जी आई का प्रेसिपिटेट स्टेबल होता है इसीलिए टूट जाएगा, ए जी आई का येलो कलर का प्रेसिपिटेट स्टेबल होता है तो ये टूट सकता है कॉम्प्लेक्स, अगर मैं के आई डालूंगा इसके अंदर है ना, साथ में मिल जाएगा के सी एल और एन एस थ्री, हाँ इसके अंदर अगर मैं एसिड डाल दूं, अगर मैं इसके अंदर कोई एसिड डाल दूं तो भी ये टूट सकता है, जैसे मैंने डाल दिया इसके अंदर एच सी एल तो ये ए जी सी एल का वाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम लिख लो जरूर, अभी याद नहीं हो रहा ना पूरा, तुम लिख लो एटलीस्ट, क्योंकि मैं अलग कर चुका हूँ तीनों को, अलग करने का ये तीन मेरे को अलग करने हैं, ध्यान देना ये तीन मेरे को अलग करने हैं, मेरे को डायरेक्ट पता है कि मैं ये तीन, इन तीनों को अलग कर रहा है ना, मेरे को डायरेक्ट पता है पीबीसीएल टू है हॉट वाटर में सॉल्यूबल है, जैसे ही गर्म पानी में डालूंगा तो पीबीसीएल टू सॉल्यूबल हो जाएगा तो अलग हो गया, बाकी दोनों रह गए, अब एजीसीएल को अलग करना है तो अमोनिया डाला तो AgNH3O2CL सॉल्यूबल और ये रह जाएगा, फिर आगे कंफर्मेटरी टेस्ट की जो रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो मैंने बता दिया आगे
Hg2Cl2 के लिए रिएक्शन बता दी, पहले NH2Hg एमाइनो मर्क्यूरी क्लोराइड मिलेगा ब्लैक कलर का, मर्क्यूरी की वजह से ब्लैक कलर का मिलेगा, और उसमें फिर मैंने SnCl2 की रिएक्शन बता दी, पहले कंसंट्रेशन एक्वेरिया बढ़ाला फिर SnCl2 के साथ रिएक्शन। PbCl2 की भी रिएक्शन एक होती है, इसमें अगर मैंने KI डाल दिया तो PbI2 का येलो PPT मिल जाएगा, कन्फर्म कर देगा ये। PbI2 इनसॉल्युबल होता है अमोनिया के अंदर, और ये कन्फर्म हो जाएगा PbI2 येलो PPT, PbI2 येलो PPT है। और अगर मैंने इसमें K2CrO4 डाल दिया तो PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, PbCrO4 का येलो PPT मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी ज्यादा लग रहा होगा कुछ नहीं होता, नोट डाउन जरूर कर लेना तरीके से। क्या पहले ग्रुप के कंफर्मेटरी टेस्ट क्लियर हो गए कि नहीं, कैसे हमने सेपरेट किया तीनों को? कुछ भी ना याद रहे, रिएक्शन सारी याद करनी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें, रिएक्शन सारी याद करनी है। तीन तीन चीजें तो जरूर याद रहनी चाहिए, ये तीन है तुम्हारे पास, जैसे ही तुमने गर्म पानी में डाला ये सॉल्युबल हो गई सॉल्ट, दो रह गई, इन दोनों में से अगर जैसे ही मैं अमोनिया में डालूंगा तो AgCl सॉल्युबल हो जाए, इसका प्रश्न मिल जाए। इतना तो अलग करना तो आ गया ना तुम्हें, ये अलग कर लिया। आगे मैंने फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू किया क्योंकि वो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट। अब लिया मैंने ग्रुप सेकेंड ए, नोट कर लिया पूरा, Yes, लिया ना? अब मैंने लिया ग्रुप सेकंड ए, सेकंड ए में क्या था, Cu2+ क्यों भाई, याद आ गया कि नहीं? हाँ जी पिला भाई, कोल्ड ड्रिंक येलो वाली, याद आ गया कि नहीं पूरा? ये थे Cu2+ Bi3+ Hg2+ Pb2+ Cd2+, ये है। इसमें ग्रुप रिएजेंट क्या था, HCl और H2S। बहुत अच्छे, डाइल्यूट HCl प्लस H2S, ये ग्रुप रेजेंट थे, ये ग्रुप रेजेंट थे, ये डाला मैंने डाइल्यूट HCl प्लस H2S। अब सब सबका प्रेसिपिट आ जाएगा सल्फाइड की फॉर्म में, CuS Bi2S3, ये भी ब्लैक, HgS भी ब्लैक, PbS भी ब्लैक, बस CdS, ये चारों ब्लैक है स्टार्टिंग के, CdS येलो, कोल्ड ड्रिंक येलो वाली बोला था मैंने, उससे याद कर लेना। तो ये आ गया सब ब्लैक कलर का। अब मैं इसमें एक एक करके डाल रहा हूँ और तुम्हें पता लगाना है कि क्या होगा इसके अंदर। मैंने डाला इसके अंदर डाइल्यूट HNO3, हॉट है, लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, अंडरस्टूड है। तो इसमें जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं बहुत कम दे रहा हूँ एरो में स्पेस ना। तो इसमें एक मिल जाएगा तुम्हें प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट मिलेगा, बाकी सब सॉल्युबल मिलेंगे। एक प्रेसिपिटेट बाकी सब सॉल्युबल। फिर मैंने डाल दिया इसके अंदर, ध्यान देंगे, डाइल्यूट H2SO4। अगेन एक मिलेगा सॉल्युबल, एक सॉल्युबल मिल जाएगा, बाकी सब प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, बाकी सब एक सॉल्युबल है, बाकी सब प्रेसिपिटेट है, सही ना? एक सॉल्युबल बाकी सब प्रेसिपिटेट। अब इसके बाद डालेंगे, एक मिनट रुकना, ये हो गया खत्म, यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ अब डालेंगे अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब मिलेगा एक प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट और बाकी सब ये हो गया यहाँ, बाकी सॉल्युबल, एक प्रेसिपिटेट बाकी सॉल्युबल। ये क्वेश्चन बना रहा हूँ एक तरह से, ऐसे ही आएगा इसका रोड मैप आया ना कोई, या फिर कोई पैसेज क्वेश्चन आया तो इस टाइप से आ सकता है, एक सॉल्युबल बाकी सब प्रेसिपिटेट, सही ना? एक सॉल्युबल बाकी सब प्रेसिपिटेट। फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे KCN, और एक्सेस में डाल रहे हैं अपना KCN, डाल दिया एक्सेस में, KCN एक्सेस में डाला तो कम्प्लेक्स मिले दो, कम्प्लेक्स कोई सॉल्युबल नहीं बताया कुछ, कम्प्लेक्स मिले। और उसके अंदर डाल दिया मैंने, अब जो दो मिले हैं इसमें डाल दिया मैंने से दोनों को मिल गया ना, H2S डाल दिया, तो क्या होगा इसमें? तो एक प्रेसिपिटेट, यहाँ पे थोड़ा सा तुम अटकोगे, यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी, शायद मैंने बता नहीं रखा, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी। चलो अभी ऊपर से स्टार्ट किया, ऊपर से क्या कोई बिलास था कि KCN के बाद रिपीट कर दो, मतलब क्या है आगे? KCN डाला एक्सेस में सॉल्युबल वाले में,
तो जो भी चीज थी ना यस सर, उसका कॉम्प्लेक्स बन गया, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, उनका कॉम्प्लेक्स बन अच्छा गया, मतलब सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हाँ, बन और गया। फिर उसके बाद उसमें H2S डाल दिया। हाँ, ठीक है सर, तो एक प्रेसिपिट आ गया और एक सॉल्युबल, एक प्रेसिपिट आ गया, एक पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक सीधी आंसर निकाल लियोगे, सीधी निकाल लिया आंसर क्या? सर इसमें वैसे CDS तो पहले ही सेपरेट हो गया ना, सीडीएस कैसे? CDS तो पहले ही सेपरेट हो गया, उसका कलर अलग। अच्छा चल सही है, वे फिजिकली नहीं, केमिकल रिएक्शन से थ्रू करते हैं ना, फिर तो केमिकल रिएजेंट डाल करके प्रूफ कर रहा हूँ, तो सही है। हाँ ठीक है सर। सिद्धि कैसा? सिद्धि निकाले आंसर। अच्छा चलो बाकी ट्राई करेंगे जल्दी से। चलो देख लो, बार देखो, पहले डाला डायरेक्ट ओचो थ्री, कौन सा प्रेसिपिट रहेगा, जिसको आंसर कुछ पता है वो बोलेगा HGS, HGS, एच जी एस। हाँ यार आ गया कि नहीं, यस यार आ गया कि नहीं, ये अभी कंफर्मेटरी जो कराया था सल्फाइड आयन में, उसमें बताया था ना मैंने, यस सर, HGS प्रेसिपिट, और बाकी सब सॉल्युबल, बाकी सब आ जाएंगे आयंस की फॉर्म में, कॉपर नाइट्रेट बी आई थ्री प्लस, समझ गए कि नहीं, और पीबी टू प्लस सी डी टू प्लस, सब आ गए आयंस की आयनिक फॉर्म में। डायल्यूट इससे वो डाला तो कौन सा सॉल्युबल? सर यहाँ पे पीबी वाले को छोड़ के सारे सॉल्युबल नहीं होने चाहिए? हाँ बी आई टू एस थ्री और सी डी एस, डायल्यूट इससे वो डालने पर, डायल्यूट इससे वो डालने पर क्या होगा? सर पीबी वाला प्रेसिपिटेट और सारे सॉल्युबल होने चाहिए इसमें। सर एचजीएस से हाँ, प्रेसिपिटेट होगा उल्टा ना लिख दिया हमने। पीबीबीएस के साथ? सर मैं हाँ हाँ नहीं यहीं नहीं पर यहाँ अटका पे हुआ था। एक, हाँ सही सही, गर्व सिंगल का सही है, एक प्रेसिपिटेट सब सॉल्युबल। प्रेसिपिटेट कौन सर सा होगा वो गर्व? पीबी वाला सर एचजीटू यार आ गया कि नहीं, सॉल्युबल PbSO4 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। नहीं, वो याद कर, एक बार सल्फेट देखकर हो गए सारे बराती पागल, यार आ गया कि नहीं है? तो उसमें एच जी टू प्लस, अच्छा एच जी टू प्लस, एच जी टू प्लस तो इधर हट गया ना, अच्छा वो पहले हट गया, यस यस तो अब यार आ गया कि नहीं ये हिमांग, यार आ गया? यस यस अब तीन सॉल्युबल कौन से वाले हैं? तीन सॉल्युबल कौन से हैं? बी आई थ्री प्लस सर और सी यू टू प्लस और सी डी टू प्लस, सही है। अब अमोनिया डाल दिया, अमोनिया डाल दिया तो अमोनिया के साथ कम्प्लेक्स सॉल्युबल कम्प्लेक्स फॉर्म आता है जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, तो बी आई तो क्या बना देगा, सिर्फ ओ एच आयंस के साथ कंबाइन करके बी आई ओ एच होल थ्राइस का, बी आई ओ एच होल थ्राइस का क्या बन जाएगा? पीपीटी व्हाइट कलर का, याद आ गया कि सर नहीं? यस सर बी आई ओ एच होल थ्राइस का व्हाइट कलर का क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट, ध्यान आ गया कि नहीं है? अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर सकते हो, याद कर लेना, इसमें अगर मैं एन एच फोर सी एल डालता हूँ ना तो मिलता है एन एच बी आई सी एल थ्री, ये वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, और इसके अंदर हम एच टू डालते हैं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है और व्हाइट कलर की टर्बिडिटी मिलती है, व्हाइट से व्हाइट मिल रहा है यहाँ पे, व्हाइट कलर की टर्बिडिटी और पार्शियल हाइड्रोलिसिस, याद करना है तुम्हें ये तुम्हें याद करना है, व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगी पानी डालने पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जो मैंने रिएक्शन बताई ना ये वाली, व्हाइट से व्हाइट मिल रहा है, व्हाइट टर्बिडिटी,
वाइट टर्बिडिटी, ये SbCl3 का भी सेम केस होता है, BiCl3 का भी सेम केस। अगर SbCl3 होता तो SbOCl बना देता, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, ये बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड बना, बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड। ये पार्शियल हाइड्रोसिस से बना है, ध्यान रखना, सही ना, पार्शियल हाइड्रोसिस। क्या नोट कर लिया है? नोट कर लिया है? यस यस, बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड, ये याद रखना इसके अंदर, ठीक है, बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा अब नेक्स्ट है, ये आ गया प्रेसिपिटेट। अब दो रह गए, कौन से? Cu2+, Cu(NH3)2+ आ गया, और CdNH3)2+। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ये तो बना लोगे ना? यस सर, ये तो बता रखा है मैंने तुम्हें अमोनिया के रिएक्शंस में, Cu(NH3)2+ और CdNH3)2+। अब KCN डालेंगे तो कम्प्लेक्स बन जाएगा, KCN के साथ क्या कम्प्लेक्स बनेगा? Cu के साथ, याद आ गया कि नहीं? CuCN4(3-), K3CuCN4, याद आ गया कि नहीं? ये स्पेशल केस, साइनोडाइन यहाँ पे काम कर जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट का, yes. और ये CuCN4(3- देगा। सही है? Yes. CuCN4(3), ये स्पेशल केस याद आ गया कि नहीं? ये स्पेशल केस याद आ गया कि नहीं? और साथ में क्या मिल जाएगा? CdCN4(2-). अब मैंने शायद तुम्हें ये नहीं बताया, CdCN4(2-) या K2CdCN4 कुछ भी लिख देना, K2CD, दोनों सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल। अब मेरे को ध्यान नहीं है मैंने बताया कि नहीं बताया तुम्हें, इस कॉम्प्लेक्स को याद कर लेना, दिस इज द ओनली एग्जांपल जो 12th क्लास के थे उसमें है, दिस इज द ओनली एग्जांपल इन विच कॉम्प्लेक्स आयन इज अनस्टेबल। K2CDCN को याद कर लो, K2CDCN2 अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। मैंने बोला ना, जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये फेयर पार्ट पर कभी भी डिसोएट नहीं करता है, अपने आप से डिसोएट नहीं करता, एसिड बेस डालने पर कर सकता है। This is the only unstable complex जिसको हम imperfect complex कहते हैं। क्या बोलते हैं? Imperfect complex। समझ गए कि नहीं है? K2CDCN4। इसको याद कर लो, दिमाग में बिठा लेना, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन ये। K2CDCN4 क्या है? Unstable। Imperfect complex है ये। K2CDCN4। इसीलिए H2S डालने पर, CDS का precipitate मिल जाएगा, येलो कलर का CDS का प्रेसर बन जाएगा और ये सॉल्युबल ही रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा H2S का, इसको H2S का ये कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं टूटेगा इसके अंदर, ये CDCN4(2- टूट जाएगा और CDS का येलो PPT दे देगा। क्लियर हो गया कि नहीं ये पूरा? यस सर। एक एक चीज याद कर लेना, दो के मैंने करा दिए, तीसरा मैंने तुम्हें कल कराया, बता एक याद है कि नहीं? Yes. एक और नोट कर लेंगे जल्दी से। तीसरा था, थर्ड वाला जो ग्रुप है, Fe3+ Al3+ Cr3+, ग्रुप प्रेजेंट था इसका NH4Cl+ NH4OH, पहले NH4Cl डालते थे, याद होगा तुम्हें, तीनों में मिल जाता है FeOH ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, AlOH जिसको हम ब्लू लेक भी बोलते हैं, CrOH ग्रीन कलर, CrOH ग्रीन कलर का ये मिल जाएगा। अब इसमें डालते हैं एक रेजेंट H2O2 बेसिक मीडियम के अंदर, H2O2 बेसिक मीडियम यानी NaOH के साथ या OCH के साथ, या OCH ही, तो एक ही बात, H2O2 प्लस OCH। H2O2 जो है ये तुम्हें याद होगा, इट कैन एक्ट एज बोथ, हाइड्रोजन चैप्टर में बताया हुआ है, Oak state -1 है, which can increase as well as decrease, it acts as both oxidizing as well as reducing agent, याद आ गया कि नहीं? Yes sir. Basic medium में काम करेगा ये reducing agent का, ज़्यादा अच्छा होगा ये दोनों ही, oxidizing भी reducing भी, लेकिन basic medium में काम करेगा ये अच्छा reducing agent, क्योंकि negative ion है, negative ion है तो electron lose करने की tendency होगी, तो basic medium में H2O2 होता है अच्छा reducing agent,
और एसिडिक मीडियम में एच प्लस आयंस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे वो, तो वो अच्छा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मीडियम बेसिक है, अगर मीडियम बेसिक है तो ये किससे रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं? एसिड किस करेगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई एसिड है ही नहीं, तीनों के तीनों हाइड्रोक्साइड्स है, मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो क्या किसी से रिएक्ट करेगा ये, क्या किसी से रिएक्ट करेगा ये? अब तुम भूल रहे हो, यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा और दो से रिएक्ट करेगा इन दोनों से, क्यों? क्योंकि ये दोनों एम्फोटेरिक है, याद आ गया कि नहीं? एम्फोटेरिक वाले तो रिएक्ट कर सकते हैं ना? यस सर। तो इसलिए बिकॉज एएलओएचथ्राइस स्पेशली ज्यादा एम्फोटेरिक है, ये रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ और क्या बना देगा, NaAlOH, NaFeOCl3 प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेगा, ये बना देगा NaAlOH4, क्या याद है ये, या NaAlO2? बहुत बार रिएक्शन पढ़ाई है एम्फोटेरिक की, NaAlO2 बनता है इसमें, याद आ गया कि नहीं? सोल्युबल कॉम्प्लेक्स। फिर अब जब जैसे ही ये बनेगा, ध्यान देना, जैसे ही ये बनेगा तो ओ चायंस कुछ कम हो जाएंगे, तो ओ चायंस कुछ कम हो जाएंगे। यस सर। ओ चायंस कुछ कम हो जाएंगे, उससे क्या होगा कि अब रिएक्ट तो इसको दूसरे से भी करना है, दूसरे से भी करना है, किससे? CrOH3 से, क्योंकि ये भी एम्फोटेरिक है, Cr3+ है, Cr3+ एम्फोटेरिक है, तो उससे भी रिएक्ट करेगा, और इसके साथ क्या बनाता था, Na2CrO4, याद आ गया? Na2CrO4 येलो कलर की सॉल्यूशन, क्रोमेट आयन Na2CrO4 K2CrO4 येलो कलर की सॉल्यूशन होती है, PbCrO4 येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, Ag2CrO4 और Hg2CrO4 रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है, क्रोमेट आयन जनरली येलो होते हैं, क्लियर हो गया कि नहीं है? यस सर। यस। अब इन दोनों के अंदर, यही सेम रिएक्शन मैं कल यूज करूंगा उधर भी एक्सट्रैक्शन में, इन दोनों के अंदर मैं डाल रहा हूँ CO2 गैस, जो कि एसिडिक होती है, जो कि एसिडिक होती है। अब इसके अंदर मैंने अगर एसिड डाल दिया, ध्यान दिया, इसके अंदर अगर मैंने एसिड डाल दिया तो इधर से AlOH3 का प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ये AlOH3 यहाँ पे था, मैंने इसके अंदर बेस डाला तो ये रिएक्ट कर गया और कॉम्प्लेक्स बन गया, और pH एडजस्ट करके अब मैंने फिर इसमें एसिड डाल दिया, एसिड डाल दिया तो प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा दोबारा कि नहीं? Yes, प्रेसिपिटेट बन जाएगा दोबारा, ये अलग हो गया, पहले बेस डाला तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया, दोबारा मैंने इसमें एसिड डाल दिया तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी। क्यों रिवर्ट बैक करेगी? क्योंकि AlOH3 एम्फोटेरिक था, ये एसिड तो था नहीं, अगर एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता तो रिएक्शन रिवर्ट बैक ना करती, लेकिन यहाँ पे ये एम्फोटेरिक था यानी बहुत स्ट्रॉन्गली ना तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा और ना ही बहुत स्ट्रॉन्गली बेस से रिएक्ट करेगा, इसलिए रिएक्शन होती है रिवर्सिबल एक तरीके से। तो इसलिए मैंने जैसे ही इसके अंदर एसिड डाला तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर गई और आंसर मिल गया AlOH3। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। और उसके बाद Na2CrO4 है, Na2CrO4 में अगर मैंने CO2 डाला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कर लेना। सिद्धि क्या आंसर आएगा इसका, Na2CrO4 में अगर CO2 डाल दिया तो? देखो आंसर नोट कर लेना, Na2CrO4 प्लस CO2 एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आयन चले जाते हैं डाइक्रोमेट के, और इसमें बेस डाल देना, इसमें बेस डाल दे KOH, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, तो ये दोबारा क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाए, तो दोबारा ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाए। एसिड में येलो कलर कन्वर्ट हो जाता है हमेशा ऑरेंज कलर में, और डाइक्रोमेट बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर, और FeOCl3 का प्रेसिपिटेट तो पहले ही अलग हो चुका था, ये तो रिएक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेटल का ऑक्साइड बेसिक है, तो ओ चायंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्लियर है कि नहीं? यस सर। समझ आ गया तीनों को कैसे लग किया इसमें? यस सर। चलो एक मिनट और कराना, 5-7 मिनट के लिए रीजॉइन करो, 5-7 मिनट के लिए रीजॉइन करो।